يا أيها النبي للإيمان منابي يا أيها النبي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد بسم الله الرحمن الرحيم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذب الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم
तमाम हजरत बाबा जी द्वारा दरूद पाक पढ़ो सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। वक्त मुख्तसर अगे भी ऐलान किया कि जल्दी जल्दी तमाम हजरात जलसागाली जगह ते पहुंच जाओ। जिक्र इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला नु भी महफ़िल और इस अंदर बच्चे तुसी भी शरारता नहीं करनिया। आ जिहड़े बच्चे ने ना ये बड़िया शरारतां करदे ने, कल भी अज भी तलावत के दौरान बड़िया शरारतां करदे ने। जिक्र पाक की महफिल इस वास्ते इस अदब के नाल सुनो दे ते अल्लाह बरकत अता फरमाएगा। जो देखती हुई आग के शोलों पे सोया वो हुसैन, जो देखती हुई आग के शोलों पे सोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन, जो जवान बेटे की मैयत पे ना रोया वो हुसैन, जो जवान बेटे की मैयत पे ना रोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के भी कुछ ना खोया वो हुसैन। उन बड़े सामने मुहम्मद शुएब नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करते हैं। तमाम हजरात रसूल बरकत वासी चंद मिनट बुलंद आवाज के नाल बारगाह रसाल के अंदर दुरूद सलाम दा नजराना पेश करो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मिलके पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। दो जगह अंदर पाले दे तस्वीर दा नाम हुसैन, जिस कुफर दा सीना चाक कीता उस तेर दा नाम हुसैन, जिस कुफर दा सीना चाक कीता उस तेर दा नाम हुसैन, दर असल इस्लाम दे दुनिया विच तशहीर दा नाम हुसैन, मैं पारस क्यों ना फकर करां, मेरे पीर दा नाम हुसैन,
ऐ पारस क्यों ना फकर खरा, ओ मेरे पीर दा नाम हुसैन, की शान हुसैन दा पुछ दे हो, उच्चे शान हुसैन दे बहुहें, कदी दिल नू खोल के वेखता सी, अरमान हुसैन दे बहुहें, मेरे वर्गे हाकिम कई हाकिम, दरबान हुसैन दे बहुहें, काबे मस्जिद कुरान उते एहसान हुसैन दे बहुहें, काबे मस्जिद कुरान उते एहसान हुसैन दे बहुहें, क्या पाक शबीर है नाना तेरा शान जमाना सुने से, कल हाकिम यार ने सदियां तई हरियान जमाना सुने से, काबे ते हर एक मस्जिद विच कुरान जमाना सुने से, भावे सर ते सर नरे मुड़वी कुरान जमाना सुने सी, भावे तन ते सिर न रहे मुड़वी कुरान जमाना सुने सी, जदों दीन अदल ते आदल रहे उदों तक कानून ना विकिया, लगी कीमत हर तहरीर दी पर हक दा मजमून ना विकिया, बोली लग गई हाकिम अकला दी पर कतन कानून ना विकिया, ईमान दे ताजर तंग हो गए हैदर दा खून ना विकिया, ईमान दे ताजर तंग हो गए हैदर दा खून ना विकिया, मिलके पड़ी सल्लल्लाहु अलैकाया रसूल अल्लाह वसल्लम अलैकाया हबीब अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद व अला सैयदना अली व सैयदतिना फातिमा व सैयदतिना ज़ैनब व सैयदना हसन व सैयदना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाह के शेर है शेर हैदर करार पर दुरूद, हजरत हसन हुसैन के हजरत हसन हुसैन के किरदार पर दुरूद, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद वाला सैयदना अली व सैयदना फातिमा व सैयदतना ज़ैनब व सैयदना हसन व सैयदना हुसैन वाला आ
आलिह व सहबी व बारिक व सल्लम अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद। सोना तेरा शजरा, 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 दावायो शाकादा हाशम दिलदारा, हाशम दिलदारा, तू लाल पाकादा, सोना तेरा शजरा, तेरा शजरा, सोना तेरा शजरा, तेरे दर जई था कोई नहीं सुनिया, तेरे दर जई था कोई नहीं, बाप विलासा ने तेरी मां जई मां कोई नहीं, आका तेरी मां जई मां कोई नहीं, सोना तेरा शजरा, 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 और रब कर कमाए ने हो, रब कर कमाए ने बिना उसे कर्म करमाए हाथ बुलंद करके, रब कर्म कमाए ने हो, रब कर्म कमाए ने, नाज अबू तालिब तेरे ढेर उठाए ने, आका तेरे ढेर उठाए ने, सोना तेरा शजरा, 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 नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, सलाम या हसन या हुसैन, सलाम या हसन या हुसैन, सारे बुलंद आवाज में ना पढ़ो, सलाम या हसन या हुसैन, सलाम या हसन, सलाम 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 या हुसैन, सोना तेरा शजरा, सोना तेरा शजरा, सोना तेरा शजरा, महबूब यगाना है हो, महबूब यगाना है, बाबुल जहरा दा हसनैन दा नाना है, आका हसनैन दा नाना, सोना तेरा शजरा, सोना तेरा शजरा, सोना तेरा शजरा, दे हर एक शै सकदा, दे
हर एक शह सकदा एक है ले जेड़ा तेरी सेजत सह सकदा आका तेरी सेजत सह सकदा सोना तेरा शजरा सोना तेरा शजरा इंतजार दिया गलियां खत्म हो गई नहीं बता ताखीर पीरे तरीकत राहबरशियत फखर सादात वाकफी रमूज हकीकत पीर सैयद फैजुल हसन शाह साहब आस्ताना आलिया विजमा शरीफ आपका खिताब शुरू होता है। मैं आपनू दावते खिताब वास्ते अपील करना कि शहादत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे मौज़ू ते आप हजरात नूं अपना बयान फरमांदे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन والعاقبت للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ رمزِ قرآن از حسین آموخ نے زیات شعو شولہا اندوخ دے نقش اللہ بر سہرا نوشت ستر عنوان نجات ما نوشت موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید این دو قوت از حیات آیت پدید اے سبا اے پیک پیک دور افتادگان اشک ما بر خاک پا کے او رساں شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دی پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید
हक्का के बिनाए ला इला अस्त हुसैन, बहरे हक दरखा को हूँ गलती दास्त, पस बिनाए ला इला कर दी दास्त। मुत्रम उलमा अहले इस्लाम, उशाकान मुस्तफ़ा मुहिब्बान सहाबा अहले बैत, नबी पाक सरकार ने जिस वक्त मदीने शरीफ दी स्टेट दी रियासत दी बाकायदा बुनियाद रखी है, तो रियासत दे उमूर नू चलान वास्ते हर गौरमेंट दे कुछ मासूलात होंदे, जराए आमदन होंदे। जिस तरह आज भी गौरमेंट टैक्स लेंदी है और वो अपना निज़ाम चलांदे, तो हुजूर दे दौर विच ऐसा कोई टैक्स तो नहीं सी, फलाही रियासत सी, मगर जराए आमदन है सन जिहड़े रसूलुल्लाह दी बारगाह विच पहुंचदे सन। उन्हां चों पहले नंबर ते माले ज़कात सी। अल्लाह फरमाया खुज मिन अमवालिहिम सदकतन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्लि अलैहिम। याद रखो जेड़ी सारी सही किताब है ना, वह सिर्फ कुरान है, बाकी अहले सुन्नत दे अकीदे विच कोई किताब भी सारी सही नहीं। वो बुखारी होवे, मुस्लिम होवे, मिशकात होवे, तिरमिज़ी होवे, निसाई होवे, एनीवन कोई किताब, बाकी किसे किताब चू भी कोई चीज लेनी होवे ते अखां खोल के लवांगे, कुरान चू लवांगे ते अखां बंद करके लवांगे। अब यकीन है भाई ये ठीक है। अब सारे हजरात इसनू मुकम्मल तौर पर समझ लेना और याद फरमा लेना। मैं सुन्नी स्कूल ऑफ थाट के मुताबिक तुहाडे नाल गुफ्तगू करांगा। किसे भाई नाल कोई फिरकावारीयत, कोई तकलीफ, कोई दर्द, ऐसी चीज़ करना सनजेब नहीं देंदा। लेकिन जेडे मेरे सामने बैठे हो, तुहानू पढ़ाना समझाना ये मेरी शरी जिम्मेदारी है, और उस वक्त ये जिम्मेदारी ज़्यादा हो जाती है जदू कोई बच्चियां दे ज़हन विच सवाल पैदा करे इहदा की मतलब है। तो पहली जो जरिया है आमदन सी वो सी ज़कात। तो अल्लाह ताला ने जा बजा दस्या कि ज़कात लैनी किन्ना तुम्हें, खर्च किन्ना ते करनी। ज़कात लैनी है अमीर बंदे को, खुज़ मिन अमवालिहिम सदकतन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा, और देनी किन्नू है, फरमाया इन्नम सदकात लिल फुकरा, गरीबा नू देनी। क्लियर हो गया, अमीरां कोलों लैनी है गरीबा नू, इहदे विच कोई इबहाम ही नहीं। दूसरा सूरह अनफाल दी पहली आयत विच अल्लाह फरमाया यस अलूनका अनिल अनफाल, ये आपसे सवाल करते हैं कि माले गनीमत के बारे में। जब मुसलमान किसी काफर मुल्क नाल काफर ग्रोह नाल लड़दे सन, तो जो माल उन्होंने मिलता सी उसनू माले गनीमत आख्या जाता सी, दुश्मन को हासिल करदा माल। तो उस माले गनीमत नू अल्लाह करीम ने अपने महबूब नू दसिया कि ए ओ माल है जिहड़ा कुफार कोलू जंग विच हासिल होवेगा, और इहदी तकसीम की है वह भी दस दिता सूरह अनफाल दे अंदर कि पंजवां हिस्सा रसूलुल्लाह दा और बाकी हिस्से जो मुजाहिदीन होणगे जंग करन वाले होणगे। माले गनीमत की तकसीम भी दस दिती और उहदी आमदन भी। तीसरा जरिया
दीन विच रियासत दी तरफ आने वाले माल दा माले फै है। मा अफा अल्लाह अला रसूल ही मिन अहलिल कुरा, माले फै, माले फै की तारीफ भी अल्लाह ने कुरान च की है। सूरह हशर की आयत नंबर 6 और आयत नंबर 7 कोई बच्चा घर जाके पढ़ ले। सूरह हशर आयत नंबर 6 और आयत नंबर 7। 6 विच अल्लाह पाक ने दसिया है ये शै की है, 7 विच दसिया देना कि क्लीयर, कोई विच किसी तफसीर की भी जरूरत नहीं। अल्लाह फरमाया कि जो मेरा नबी ते सहाबा जंग ते जा रहे हो तो कोई काफर लड़े तो जो लड़ के माल मिलेगा वह माले गनीमत है, ते अगर वह लड़न तो बगैर अपना माल खुद ही नबी की खिदमत पेश कर देवे तो मैं अल्लाह उसका फैसला करना, वो अल्लाह दा है वो माल, सहाबा वो तुहाडा नहीं, क्यों तुसा उन्दे विच घोड़े नहीं दौड़ाए, अपने ऊंट नहीं दौड़ाए, खून नहीं बहाया, मेहनत नहीं की। वला कि युसल्ली तो रुसुलहू अला मन यशा, अल्लाह अपने नबी नू जदू चाहा तो तसल्लुत अता कर दिता और उन लोगों ने खुद ही माल दे दिता, क्योंकि तुसी लड़े ही नहीं, लेना वो माल फौजियां दा नहीं, वो डायरेक्ट स्टेट की मलकियत जाएगा। और इस दी भी वजात की, अल्लाह ये नहीं फरमाया कि वो सिर्फ नबी की मलकियत है, फरमाया फलिल्लाही वो अल्लाह दा है, वलिर रसूल और रसूल दा है, वले दिल कुर्बा ते रसूल अल्लाह दे रिश्तेदारां दा है, वल यतामा और यतीमा दा है, वल मसाकीन और मिसकीना दा है, वब निस्सबील और जेड़े मुसाफिर मदीने चा के क्याम करनगे उन्हां ते भी उहदे चो खर्चा कीता जाएगा। कह ला यकून दूलतम बैनल अगनिया मिनकुम, एक जगह ते खर्च नहीं करांगे ताकि दौलत किसी जगह ते इकट्ठी ना हो जाए। तो अल्लाह ने माले फैदे हिस्से जो बनाए, अल्लाह दा, अल्लाह दे रसूल दा, रसूल अल्लाह दे कुराबतदारां दा, यतीमा दा, मस्कीना दा और मुसाफरां दा, 6 हिस्सेदार कुरान पाक दी सूरा हशर दी आयत नंबर 7 च कि ए जिहड़ा माले फै ना ये सारा माले फै। हुण सवाल है कि बागे फदक ये माले जकात है? नहीं। माले गनीमत है? नहीं। माले फै है, माले फै है। इस माले फै की मलकियत अल्लाह ने दसी है कि महबूब सुनिया इनू तुसी इन्ना जगह ते खर्च करना है, और हुजूर उन्ना जगह ते ही खर्च फरमांदे सन, यतीमां नूं भी देंदे सन, गरीबां नूं भी, जिहड़े मुसाफर आउंदे सन उन्हां ते भी खर्च करदे सन, और अपने रिश्तेदारां नूं भी अता करदे। जदों रसूलुल्लाह दा विसाल होया 9 बीवियां सन हजूर दियां, रसूलुल्लाह दा जिस वक्त विसाल होया हजूर दियां बीवियां दी तादाद उस वेले कितनी सी? 9। 9 बीवियां कोई औलाद नहीं, कोई पुत्र नहीं जिहड़ा कमा के देवे, कोई उन्हां कोल पोतरा नहीं, कोई बेटी नहीं, औलाद 9 दियां 9 बीवियां हजूर दियां कोल नहीं है। सुनिए फरमाया कि अन्नबी औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, ए नबी दियां बीवियां मोमना दियां मावां ने, नबी दियां बीवियां मोमना दियां मावां। इहदा मतलब यह सी कि हुण कोई मोमिन इन्हां नाल निकाह नहीं कर सकता क्योंकि मावां ने,
तो मावां नाल निकाह भी नहीं करना, ते अगे उन्हां कोल जाती अपनी औलाद भी कोई नहीं, तो रसूलुल्लाह तो बाद उन्हां दे खर्च दा जिम्मेदार कौन है? अगर तुहाडे च कोई बंदा फौत होवे, मैं तुसी, ते उहदी बीवी नूं प्रॉपर्टी च हिस्सा मिलदा है कि नहीं मिलदा? तो जो रसूलुल्लाह दीयां नौ बीवियां ने वह भी तो हजूर तो बाद वारस आईयां कि नहीं? दसवीं बीबी फातिमा तो ज़हरा, तुसी सारियां खवातीन दी सरदार सईदा ज़हरा नूं समझांगे, समझो, मैं भी समझना, तुसी भी समझो। लेकिन जो तकसीम करोगे, क्या उदो शरी हैसीयत के मुताबिक तकसीम जिमें कुरान आख्या उंज करांगे या गैर शरी करांगे? कुरान के मुताबिक तकसीम हो गई। हजरत सईदा आयशा, उम्मे सलमा, उम्मे हबीबा व दीगर अजवाज ने हजूर दे विसाल तो बाद अबू बकर सिद्दीक नू ए पैगाम घल्या है कि रसूलुल्लाह दी जो प्रॉपर्टी है वह साडे विच तकसीम करो। सईदा जहरा पाक ने हजरत अब्बास नू भेजा है, हजरत, यह है सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट, यह हमारा वे ऑफ थिंकिंग है, यह हमारी अकीदत नहीं है फकत, यह हकायक हैं। यह नहीं है कि हम ये अकीदा रखते हैं और हमारी ये अकीदत है, नहीं। ये जो हमारे दोस्त हर वक्त बुखारी का नाम लेते हैं, जब बुखारी सामने आती है तो फिर पता चलता है बुखारी में लिखा है वह अरसलत फातिमा तो इला अबा बकर, बीबी पाक ने किसी को भेजा है, खुद नहीं गई। ये उत्ते दलायल कायम करांगा कि बीबी नहीं गई, ऐवें गल नहीं करांगा बोन जी मेरा ख्याल है, नहीं मेरा ख्याल नहीं, ये उत्ते शवाहिद ने वो पेश करांगा। उस तो बाद तुसी जज हुंदे हो, फैसला तुसी करना, जाण वाला मौके ठीक है या ना जाण वाला ठीक है, फैसला तो बंदियां करना होना। मेरी गल तो सुनो ना प्यार ठंडे जे दिमाग, जदू तकरीर सुननी हो पुत्र चाह पी के नहीं सुनी दी, दुध छोटा पी के सुनी दी, क्यों? चाह पीती हो दिमाग गर्म होया हुंदा है, वो बंदे नूं गर्मी चढ़दी है, दुध छोटा पीता हो बंदा ठंडा रहा है, मुड़ू गल की समझ आती है भला आंदा की पे। हौसले नाल गल सुनो, जिहड़ी गल समझ च ना आई उन्हें भाई मैं नहीं लई, मेरी समझ च नहीं आई, तो आ गई तो बड़ा इत्थे ला ली, ठीक है भाई यह गल मेरी समझ आ गई, कोई जबरदस्ती है? जबरदस्ती तो नहीं ना भाई साहब, जिसले तुसी बाजार जाते हो तो दुकान वाले सौदा नहीं रखे उन्हें, तो वो ये तो आख सकता है भी मेरा सौदा चंगा है, ये आख सकता है? इस गल तो किसी तो परचा नहीं ना हों, बहू आखे भाई मेरे अमरूद चंगे जे, हाँ वो ये ना आखे बहुत काने ने, वो तो भी ठीक ने, जे उ लेने उ ले जाए इतू लेने इतने ले, मैंने इंज ते आखण दो ना मेरा सौदा सही है, अपने सौदे का होका देने का इख्तियार है कि नहीं? हाँ ये ना आखे बहुत देने यार सही मेरा सही जे ना, ये फैसला लैन वाले कर उसकू लेना। हजरत अब्बास रसूलुल्लाह दे चचा ने, मौला अली दे चचा ने, और उस प्रॉपर्टी में हिस्सेदार ने, हजूर उन्होंने भी देंदे है। तो बीबी पाक की तरफों हजरत अब्बास गए और अबू बकर की बेटी की तरफों, उमर की बेटी की तरफों, अबू सुफियान की बेटी, त्रावां दियां बेटियां रसूलुल्लाह दियां बीवियां, हजरत अबू बकर की बेटी भी, हजरत उमर की बेटी भी, अबू सुफियान की बेटी उम्मे हबीबा रसूलुल्लाह दे निकाह विच ने। ते जे वंड देंदे ते चलो बीबी पाक नूं थोड़ा दे छड़दे, अपनी बेटियां नूं बाड़ा दे छड़दे, कोई इंज दी वंड बना लैंदे, तो जे वंडदे तो कुछ उन्हां दियां धीआं वी आउणा आ। असल मसले नूं ठंडे दिमाग नाल समझदा नहीं भाई, समझो ना, पहले भेजिया ने कि सन तकसीम कर दिओ,
بیویاں بھی اور رسول اللہ دی صاحبزادی بھی بھیجے ہے بھیجے ہے. ارسلت جڑا تھوڑی جی عربی علامہ جاننا ہے نا ارسلت ہاں علامہ جان لینا کوئی عربی دا چھوٹا جا بھی طالب علم تم پوچھو گے نا با ارسلت دا مانا جانا ہوں یا بھیجنا ہوں. تو جس بندے ارسلت اور جا آت دا مانا ہی نہیں سمجھے تو زہبات دا تے ارسلت دا فرق ہی نہیں سمجھے. جس بندے جس بندے نو زہبت اور ارسلت دے سیگے دا اور لفظ دا مانا ہی نہیں سمجھ آیا اس نال اگاں گل گھوگو کریے. اصل مسئلہ کی ہے ہذا ما اندی یہ اند اہل سننا ایسا ہے سنیاں دیا کتاباں ایسی جی لکھا جی میں دس دفعہ تو مولویاں کچھ اجے انجاج کرنی ہوں گل کرن دی ہوں کوئی نہیں وہ گل کرن لگیا گل مجا چھڑ دین بنائن دی بجائے خراب کر چھڑ دین. ابو بکر صدیق نے کی فرمایا جدو انہاں سنیا ہے نا تو ابو بکر اٹھ بیٹھے تے سیدہ زہرا دے دروازے تے آئے. بھائی نہیں فرق ہے لوگ آندے نے سیدہ زہرا انہاں دے دربار وچ گئیاں نے اسی آنے ابو بکر انہاں دے دروازے تے آئے. اور اے جو میں کردا پیا انج ابو بکر کیتا ہے سیدہ زہرا ابو بکر تواڈے باپ دا نوکر ہے غلام ہے ان بازار لئی جاؤ ویچ چھڈو جیڑی قیمت ملے وہ بھی تواڈی ہے. گل تے غور نہیں نہ کیتا جانے میں ابو بکر فرماندے نے میں لے جا کے بیچو میں تواڈے والد دا غلام ہاں غلام بیچ دیو جیڑی قیمت ملے وہ بھی تواڈی ہے. میرا مال میری اولاد میری ہر چیز میرے نبی تو قربان ہے تے جے راضی ہو وہ تے جی میں تواڈے بابا جان تقسیم کر دیا ہے او میں کردا رہاں. جے تسی فرماؤ تے جی میں تواڈے بابا جان تقسیم کر دیا ہے اونج میں کردا رہاں. تو انہاں فرمایا میں راضی ہاں تسی تقسیم کر دیو. سر توجہ ہے یہ نگا ہوں جتنا گل بندے پھر جی مرضی کو اپنے اپنی بھائی جنہ عمران خان تے 250 پرچہ کرا چھڑیا ہے وہ سمجھتے ہیں پاکستان ہے اس تو بڑا مجرم ہی کوئی نہیں تے جڑے ان دے فین نے وہ آندے نے اس تو بڑا پاک بندہ اگے سیاست دان ہے جمی کوئی کیوں دونوں ایک دوسرے دی انتہا تے کھڑے حقائق نو کوئی بندہ بھی الناس فیما یا شکونا مذاہب بندہ جیڑی گل دل وچ بھال ہے وہ نہیں دلیلاں بھی ڈھونڈتا رہتا وہ دلیلاں ڈھونڈ کے اس پاسے جان دا وہ بڑا ذہن ہوتا بڑا. اگر صدیق دا یہ فیصلہ درست نہ ہوندا عمر دا فیصلہ عثمان دا فیصلہ درست نہ ہوندا تو جدو میرے مرشد مولا علی بنے آئے خلیفہ بنیا ہے انہوں سارے تو پہنا اپنا مال واپس لینا چاہیے لیکن مولا علی نے اپنے اور امام حسن نے 5 سالہ دور خلافت وچ ایک مرتبہ بھی اس گل کا تذکرہ نہیں فرمایا. بس ہی لینا ہے ساڈا وہ ہوں تو مڑ حکومت ہی اپنی نہیں لیا. ہوں اسی اس گل تے کیوں کھڑے ہاں کہ بی بی پاک نہیں گئیاں یہ حدیث اساں قبول کیتی ہے جیڑی حدیث انہاں دے جان والی او چھڈ دتی وہ کہ حدیث مختلف مثلا بخاری شریف وچ حدیث ہے کہ نبی پاک سرکار نے کھڑے ہو کے پیشاب کیتا ہے حدیث موجود ہے لیکن اما عائشہ فرماندیاں من حدثکم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یبول قائما فلا تصدقوه. اگر کوئی بندہ تو انکوے اما عائشہ فرما دیا کہ حضور کھڑے ہو کے پیشاب کیتا ہے تو دی گل نہ منیا گیا حضور بیٹھ کے پیشاب کر دے سا رفع حاجت حضور بیٹھ کے کر دے سا تو اسا وہ بخاری والی حدیث چھڈ نہیں دیتی کیوں سن حضور دی شان دے لائق نہیں لگی. حدیث ہے بخاری وچ لکھی ہے
और बयान करने वाले भी है ने जिन्ना बयान किया साहबी ने, तो असी फिर तत्बीक की करने असी कहने कि अगर कोई बंदा मजबूर ऐसा हो जाए कि वह ना बैठ सकता हो उस हदीस से अमल कर लै जिहड़ा बंदा सेहतमंद है उस हदीस से अमल करे जिहड़ी आयशा बयान की। तो हदीस नू समझना ते हदीस नू परखना यह हर बंदे का काम नहीं ना। वो जट्ठा हो मैं तुसी हुण इत्थे लिया के धरो ना मुंजी दे चार दाने ते आखो शाह जी इहदे चों 85 ते 86 सियाण दिओ वल्ला मैं कोई नहीं पता ते तुहाडे अगे रखिए तुस आखना जी आप दाणा 85 दा 86 दा आ ईरी है ते मैं आखना इहदे उत्ते नंबर प्लेट लगी आ। उस आखना नहीं नंबर प्लेट कोई नहीं शाह जी साडा इलम ते तजर्बा है असी काम ही इह करने आ। भाजी जिवें तुसी मुंजी दीआं किस्मां सियाण लैंदे हो ना इवें असी हदीस दीआं किस्मां सियाण ने सन पता हुंदा है कि हदीस कित्थे इहदा की मतलब है इहदे मतन च नक्से इहदी सनद च ज़ौफ है या इहदे विच इदराज होया है इहदे विच रावी ने कोई अपनी चीज भी शामिल कीती है इह असी दसणा पैंदा है। बीबी पाक दे दरबार जाण वाली रवायत असी छड्ड दित्ती है कलण वाली फड़ लईए वजह की है क्योंकि सानू लगता है जिस हस्ती का नाम सईदा जहरा है ओ कोई शह मंगण वास्ते किसे बंदे दे दरबार च नहीं जा सकते। इहदे उत्ते दलील कायम करा जदू दरबार हुंदा है फिर दरबार तुहानूं पता है जिवें असीं बैठे आ इंज बादशाह हुंदा है इस पासे भी वजीर हुंदे ने इस पासे भी वजीर हुंदे ने ते विचले सन खाली जगह हुंदी है मुड़ जिहड़ा साहिल आवे वह विचले सन खलोंदा है ते बादशाह अगे फरियाद करदा है दरबार ते इही हुंदा है ना। मेरी 42 साल उम्र हो गई है मैंने अजे ताई वो दरबार नहीं लगा जिहड़ा अबू बकर बनाया बोहा कित्थे ना किसी किताब विचू ना मक्के मदीने जाके भी ढूंढ बैठे बो दरबार कित्थे हा अबू बकर की सारी जिंदगी हजूर की मस्जिद च लंघी है दरबार बना लिया चलो बना लो लो मैं पहन बना लो बन गया इतने अबू बकर बैठे ने ऐदे भी साहबी ने ऐदे भी साहबी ने उच्चा सारा तख्त है विच बीबी ज़हरा पाक आके आने खलोते ने तो उन्हें मंगया है उन्हें मंगया है इतने ही साड़ी गल है कि बीबी ज़हरा ने अल्लाह की दुआ की थी कि या अल्लाह मेरी रूह लैण वास्ते फरिश्ता ना आवे क्योंकि मेरा फरिश्तियां तो भी पर्दा है जिस बीबी का इन्ना पर्दा है कि वो ये दुआ कर दें कि मेरी रूह लैण भी फरिश्ता ना आवे वो बीबी किसी दरबार च बंदियां दे सामने किवें जा सकदी है। खजूरां खसमां दा सिर खाणो बड़ियां खजूरां ने वो ढेर सारियां उसण दियां सन की लगे उन्हां नूं असां तां वेखणा है नबी पाक की शाहजादी का रुतबा की। पुत्र गल वेख्या करो किन्ना दी है कौन ने जिन्हां दी गल हुंदी पई है वो तुहाडी ते मेरी गल हुंदी पई है गल आले रसूल दी है गल सईदा ज़हरा पाक दी है जिन्हां बीबी पाक ने इरशाद फरमाया कि मैं चाहनी हां जदों मेरा विसाल होवे मेरे वजूद नूं कोई ना वेखे तो जदों सईदा पाक ने फरमाया ना तो अबू बकर दी बीवी असमा बिनते उमैस उन्होंने चार पाई उत्ते खजूर दे पत्तरां दी मेहराब नुमा छत बनाई इदों भी टहणी बन के ते इदों भी टहणी बन के ते उत्ते उन्हें छत पाई ते उत्ते चादर पाई विच जगह खाली हो गई तो अर्ज करदियां जी मैं हबशा विच जदों हिजरत करके गई सन उत्थे औरतां इंज दफन होंदियां सन उन्हां नूं उठा के ले जांदे सन तो बीबी पाक ने फरमाया मेरे वास्ते इंज दा ही बनाओ उस नूं बनाया गया चार पाई दे उत्ते अजे बीबी पाक का विसाल नहीं होया ए आपने पहले बनवाया बनवा के रख दिता है। फरमाया जदू मैं फौत होवां उदू मैनू इहदे अंदर रखिया जे उत्ते चादर पाया जे ताकि मेरा वजूद मेरे मरण तो विसाल तो बाद भी कोई ना वेखे जिस बीबी नू अपने परदे का इतना ख्याल होवे वो बीबी किसी दरबार जाके मंग सकती है कि मैं तुहाडे कोलों हक मंगण आई हां। बीबी का हक एक बाग नहीं है मेरे नबी पाक की शाहजादी सारी कायनात की वारस ने
पुत्रो गल समझो मेरी, सईदा जहरा पाक दी शान नहीं कि वो किसे कोलो मंगण, और मंगण वास्ते जाना असी सईदा साडा तां ज़ेहन ही नहीं बनता कि मेरी मां फातिमा जहरा किसे कोल गईयां सन भाई बरे दरबार च बसन, खजूरां साडियां दिओ साडा बाग सन वापस करो, ते फिर उत्थे खड़े रहे ते फिर वो रोंदे रहे ते 9 घंटे लंघ गए ते फलान हो गया, इहो जिहियां गल्लां साडा तां भाई दिल ही नहीं मनदा। वजह की है, वजह ये कि असा हदीस च पढ़िया है कि जदों हशर दा मैदान होना है ते सारे जान दियां औरतां आना है पुल सिरात तो लंघना नहीं, जदों बीबी सईदा जहरा आना है तो अल्लाह फरमाना है 70,000 हूरां जन्नत चो निकल के जाओ जहरा पाक दी कबर ते, 70,000 हूरां ते सईदा जहरा कबर पा के झूठना है तो 70,000 हूरां ने जुर्मट च लैना है। अब 70,000 का अंदाजा लगाओ ना, 70,000 हूरां चारों तरफ दरम्यान है सईदा जहरा, ते फिर जो पुल सिर अशर के मैदान च आना है ते 70,000 दे विच भी अल्लाह फरमाना है अशर आने आओ अखा नीवियां करो, ऐ अहले माशर गुद्दू अबसारकुम, ऐ हशर वालो अपनी निगाहें झुका लो, नबी की बेटी फातिमा आ रही है। जिस रसूलुल्लाह दी शाहजादी दा हशर दे दिन इतना पर्दा होना है, मेरे जैसे दरवेश दा एक दिल किवें मन जाए कि वो इतनी पर्देदार जिदा हशर दे मैदान च भी पर्दा होना है वो किसे दरबारे जान गया, मौला अली जांदे, हसन जांदे, हुसैन जांदे, होर बनू हाशम दा कबीला मदीने दे वड्डियां कबीलियां विच, मेरे सजनो मेरे अजीजो तुसी जट बंदे हो, लड़दे रहंदे हो, जेड़ा लड़े ना वो जट ही नहीं हुंदा, आ छोटी मोटी लड़ाई साड़ी थाने थपाने कचहरी ये चलती रहती है, कदी औरतानवी विच लिखाया है जिसले लड़ो, इन्ना तुहानवी पता है कि औरतां नूं थाणियां कचहरियां विच नहीं घलना, माल दे लोड रोले साढ़े ऐण ते करदे रहे, मगर अली पाक दे बारे तुहाडा की अकीदा है कि उन्हें फरमाया होना है मैथों अबू बकर नाल गल नहीं हुंदी फातिमा तू जा, ऐसी साडा जीन किवें मन जाएगा गल। भाई साहब असल विच फकीरी नजर च दरवेशी नजर च किसे मौला अली सरकार नूं वेख्या नहीं, उन्हें समझे दुनियादार ने ते माल दे पिछे तुरे, जे वेखना ही ना ते जरा ऐस नजर नाल भी वेख, मेरे मुर्शिद अली सरकार बैठे ने ते मंगता आया है, तुस आखे या अली मेरिया ढेर सारिया जरूरतां ने ते को करम फरमाओ पूरियां हो जान, तो सरकार ने जमीन तो एक पत्थर उठाया है, एक फूका मारिया ते फरमाया मुठ्ठी बाहर जाके खोली, उस दरवेश दे ज़हन च वस वस आया वा पत्थर ते मेरिया अखां दे सामने च आया ने ते उत्ते फूका मारिया ने, हुण इस पत्थर दा बनेगा की, जदों बाहर ले जाके उस वेख्या ना ते हीरा जगमगा रहा सी, उस आख्या वाह अली तेरे एक फूके मेरिया ते नस्लां तार छड़ियां, जिदा एक फूका करोड़पति बना देवे, नहीं समझ नहीं आई कौन गल, जिदा एक फूका करोड़पति बना देवे तुहाडा ज़हन किवें मन जांदा है वो किसे दुनियादार को मंग सकते हैं या किसी होर को मंग सकते हैं या किसी साहबी को मंगते होने ने, ना इन्ना ही फर्क है, असी आले रसूल नू मंगन वाला नहीं समझिया, असी आले रसूल नू अता करन वाला समझिया, सारी कायनात खांदी सदका जहरा दा, सारी दुनिया खांदी पंज तन पाक दा सदका है, ते जिन्हां दा सदका असी खाने पए उन्हां अगू मंगना है, कमाल हो गई है। अज बंदियां दी कीमत है, फलाना कितने वाला ही 40,000 वाला,
फलाना कितने वाले, वो लाख आला है फलाना, वो दो लाख आला है, सुनिया दे भी दा त्री चाली आले। मैं आख्या की करते जे जेड़े मंगते ने, तो आंदे जी उन्होंने ना लेंदे ने, कोई लैंड क्रोजर तू टप के लांदा है, कोई गड्डी तू टप के लांदा है। मैं आख्या इन्हां दे वड़के ते तुहाडियां जट्टां दियां मुंजियां लैंदे आ, इह क्यों गड्डियां ते बैठे ने? नहीं समझ आई गल दी। मैं कह इन्हां दे वड़के तुहाडियां जट्टां दे मुंजियां लैंदे आ, इह क्यों गड्डियां ते बैठे? जी ये जी आए ते ओह ही परे हुण तुहाडियां वड़कियां दा नां लैंदे ने। इहदा मतलब है जिहड़ा हुसैन हुसैन करे भुख ते उहदे घर नहीं रहिंदी। वो साडा गनाथ खां वो पैना रेड़ी लैंदा सी फ्रूट वाली, हुण वो गड्डी लई फिरदा सी ते मैं आख्या बाबा अरसा पहले दे, मैं आख्या भाई तेरे ते बड़े करम होए ने, तू माशाला हुण गड्डी ले लई आ। उस आख्या शाह जी मैं वो ही हाँ, बस मैं अकल आया मैं होका बदलिया। मैं आख्या किवें? उस आख्या अगे मैं आंदा फ्रूट अच्छा है, हुण मैं आना मेरे पीर अच्छे ने, वाह मैं होका बदलिया, अल्लाह मेरे देह बदल छड्डे जी। ओए भाईया आले रसूल दा ते ना लैण आले चौधरी बने फिरदे ने, यकीन करो जेड़े सिर्फ हजूर दी आल दा ना लैंदे ने ना, वो करोड़ां दियां जायदादां दे मालक बन गए। तो उन्हां दा ना लैण आला ते अमीर है, उन्हां तुसी की समझे वो मंगते ने? सारा जग रसूलुल्लाह दी आल दा नौकर ते मंगता है। त्री सिपारे कुरान रब दा, जेड़ा सिपारा दिल नहीं पढ़, जेड़ी सूरत मर्जिया पढ़, तेनु हजूर दी आल दी सखावत दा जिक्र मिलेगा, उन्हां दे मंगण दा जिक्र नहीं मिलेगा। तवज्जो है जनाब, अगर आप थोड़ी जी जौक दा मुजहरा फरमाओ तो मैं एक दो जगह पढ़ भी देना, जितनिया मैं हूं लगा भाई थे इतनिया बड़िया ने, मैं एक दो जगह पढ़ देना ताकि तुहानू कन्फर्म हो जाए हजूर दी आल मंगण आले नहीं, वो अता करन आले। इन्ना ही फर्क है भाई जी, असी समझने। मैं तुहानू एक मिसाल देना, अगर कोई बच्चा पढ़िया लिखिया ना तुहाडे च, मतलब सारे ही पढ़े हो पर कोई अपना जौक हुंदा है। कुदरतुल्ला शहाब एक बंदा है ब्यूरोक्रेसी, वो बंदा जनरल अयूब दा थले उस दा नाम सी, चीफ सैकटरी सी जनरल अयूब दा, जिस वेले सदर सी अयूब, उसने किताब लिखी है। उहदे विच लिखदा है कि मैं यह उस वेले डीसी तहसीलदार सां, तो मैं एक पिंड दौरे ते गया, तो कहिंदे उत्थे जदों मैं पहुंचया तो मौलवी साहब एक पिंड दे तकरीर पर करदे आ, मैनू उन्हां दी तकरीर दी समझ तां कोई ना आई, पर एक गल दी समझ आई कि अगर तुसा कोई काम करवाना होवे ना नबी पाक कोल ते सैयदा ज़हरा दे वसीले नाल करा। वो कहिंदा मैं ना मुड़ा क्या भूल ना जावां, मैं उठिया ते मसीत च दो नफल पढ़ के बीबी पाक नूं सब इसाले सवाब कीता, ते मैं उन्हां गल कीती जी मेरा आ काम करवाया जी अपने बाबा जान को, मेरा कोई काम सी, वो काम की दुआ मंगी, मैं भूल गया गल ते अपने कम्मा च मसरूफ हो गया। वो कहिंदे ने एक दिन मैं बैठा सां ते मैनूं यूरोप विचों खत आया, वो खत उस अपनी किताब शहाबनामा दे अंदर उहदी नकल लाई है, खत विच लिखिया वो मौजूद इंग्लिश विच कि डियर शहाब, यानी उस औरत ने लिखिया, कोई औरत सी, कि मैं हुण ही कलमा पढ़िया नौ मुस्लिम हाँ, मेरी ख्वाब विच सैयदा ज़हरा आई हैं। हाय हाय हाय, तुसां गल ते तवज्जो नहीं कीती, नहीं ते तुहानूं तड़प जाना चाहीदा सी। ए सैयदा ज़हरा कुदरतुल्ला शाह दे ख्वाब विच क्यों नहीं आ, क्यों नहीं आईआं, उस बीबी दे ख्वाब विच क्यों आईआं? गल ते तवज्जो नहीं कीती, क्यों? क्योंकि सैयदा ज़हरा दा पर्दा इन्ना है, उहते ख्वाब विच भी किसी गैर महरम दे विच सामने नहीं आउंदे, किसी दरबार विच किवें टुर जाणगे? शहाब मैं अपने बाबा जान मुहम्मद करीम को तुहाड़ा काम करवा छड़े, तुहाड़ा काम हो जाएगा। शहाब साहब कहिंदे ने मेरा काम हो गया, उदों तां मेरा अकीदा है, वह कहिंदे ने मैं जिंदगी जदों भी मैनूं को काम पिया मैं बीबी ज़हरा दे वसीले नाल अर्ज़ की है मेरा काम अल्लाह सोने उवें कर छड़िया है।
भाइया उन्हों का तो नाम मुश्किल कुशा है, भाइया उन्हों की जात मुश्किल कुशा है। हजरत मौला अली सरकार अल्लाह, हजरत मौला अली सरकार मस्जिद विच ने और नमाज विच ने, और नमाज के आलम विच एक मंगता आ गया। अजीजा ने मन मेरे अल्लाह फरमाते ने इन्नमा वलीयुकुम अल्लाह व रसूलुहु वल्लदीना आमनुल्लदीना युकीमूना सलाता व युतूना ज़काता व उम्रा ईमान वाले हो जिहड़ा रकू विच भी होवे ते खैरात देंदा है, मंगते नू खाली नहीं जाण। अज़ीज़ां ने दी वकार कुराने करीम दी अगली आए सुनिए, अल्लाह फरमा दे वयुतिमुनत्तामालाहुब्बी मिस्कीनो वयती सीरा। तवज्जो है जनाब, अलामा साहब जी शायद गलत बड़ा मिल दस गया। हाँ जी ये भी रमजी है, तवज्जो है। अब जी थे गलत बड़ा मिल दस चलिया भाई थे गलत। हाँ जी कुछ चार पकाइया ने ता ही तुम सुनाने आके कुछ चार पकाइया ने जनाब। हाँ जी कोई दिहाड़िया दरसाई दाल खाते रहे नीला इस गल अगे नहीं बह गए भाजी असं जेड़ी भी करिए मान लो नहीं कुछ चार पकाइया ने। तवज्जो है जनाब। मेरे मुर्शिद करीम का दरवाजा है, सरकार ने रोजा रखिया होया है, क्योंकि हसन ते हुसैन नु बुखार होया ते बीबी पाक ने मन्नत मनी कि मैं रोजे रखने रहे अगर बुखार उतर जाए। अजकल दिया माइया दिया मन्नतां भी बड़िया अजीब, यकीन करो मैं हैरान हूं ना बंदे क्यों मन्नतां नहीं मनते। सारिया मन्नतां दी वही बीबियां ते नाज़िल हुई भाई, इन्हां ने हर दूजे दिन कोई ना कोई मन्नत मननी आई होंगी है, बस मननी है तो सजाना है। बंदे ने भी तो कोई इजाजत होनी चाहिए ना भाई, कदी तू भी मान ला ना, उस दे बंदे नूं होश ही नहीं होनी। इन्हां दी अख ते निकल पवे ना वो फिंसी, वो गुलदियां सत दे लगते ने चौदह मन्नतां मन छड़दे। चलो पिछे सत दिन जावां दियां ते सही ना पूरी करां, जुमला याद कर लो सारियां मेरियां बचियां भी सुन दियां पई। औरत दी हर मन्नत उहदे घर दी चार दीवारी विच पूरी होनी चाहीदी है, औरतां नूं मन्नतां मन के बाहर निकलनी नहीं चाहिए। अल्लाह कुरान फरमाते हैं वकर नफी बुयूते कुन्ना, औरत अपने घर रवे। वज़कुरना मा युतला फी बुयूते कुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा इन्नल्लाह काना लतीफन खबीरा, आया औरत अपने घर दे अंदर रहो तेरा घर च रहना कमाल। रब फरमाते युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन्न, औरत अपने घर दे अंदर रहो तेरा परदे च रहना रब नू पसंद है, तेरा बेपरदा घूमना तेरे नबी नू ते तेरे दीन नू पसंद नहीं। मगर क्या कीजिए, मनता वाला सारा कोटा ही बीबियां को बेताशा मनदियां ने और फिर पूरा करन टुरियां होंदियां। बीबी जी जे मन नहीं ले आ जाए तो किसी मुंडे ना क्या करो आ पूरी करे। और मैं मर्दां नूं भी आखा करांगा भी तुसी भी कुछ तबलीग करिया करो कि बीबी बहन धी राणी तू घर रहो मेहरबानी कर तो मन्नत असीं पूरी कर लांगे।
जिस दिन तुस औरतां घर रख के मन्नतां पूरियां करनियां शुरू कीतियां इन्हां मनीणियां ही नहीं, मन्नतां दी रेशो ही घट जाती है, क्योंकि मन्नतां आउटिंग होती है। ये नहीं भाई इस्लाम औरत नूं कैद करता है, नहीं, औरत डॉक्टर कोल जा सकती है, औरत अपने मुर्शिद कोल दम कराने वास्ते पीर साहब कोल किसी रूहानी बंदे कोल जाना चाहे औरत जा सकती है, मगर कल्या नहीं जा सकती, अपने महरम दे नाल जा सकती है। मसला समय चाया कि ना, और मैं आखांगा तुसी मन्नत भी मननी होवे ते सीरत सैयदा ज़हरा नूं सामने रखिया, तुसी समझिया नहीं सियाने बंदे बैठे हो, कदी औरत अजान पढ़ीए, कभी औरत जमात कराइए, कभी औरत मस्जिद च नमाज पढ़न गई है, भले वो किसी औरत दा अजीज प्यारा फौत हो जाए जनाजे में शामिल हो दी, ते जदों एडे जरूरी काम औरत नूं दीन करन दी इजाजत नहीं पिया देंदा, ये मन्नतां किस खेत च ने जिहड़ियां तुसीं रोज टुरियां हुंदियां उह पूरी करन वास्ते। औरतां नूं अपने घर बहाओ, ये दीन जे रब दा ना जे दीन आले मुहम्मद तू सिखो, बीबी पाक दे बच्चियां नूं बुखार होया तो ना मन्नत की मन्नी, मैं रोजे रखा, लो रोजे रखने वाली मन्नत उन कौन मने, अगले त्री मसा रखी दे वो ये कौन मन्ने। भाई साहब फॉलो करो आले रसूल, सैयदा ज़हरा पाक ने मन्नत मन्नी है, पहला रोजा रखे आए, जदू अफतारी दा वेला होया दरवाजा खटकिया है, अंदरों आवाज आई है कौन है, दरवाजे तू आवाज आई है या अली सरकार, मैं मंगता तेरा या अली सरकार, मैं मंगता या अली सरकार, मैं मंगता तेरा, मेरा कर दो बेड़ा पार, मैं मंगता तेरा, कहिए या अली सरकार। एक गल सुनाए सुनियो, सुनियन प्यादा, जदू तुहाडा दिल अली दा जिक्र करन तू घबराए ना, उदू भी समझ आया बदवन मसला है, जदू साहबा दा जिक्र करन तू घबराए उदू भी समझ आया सन मसला है, बंदा बीमार ना होवे ते अली पाक दे जिक्र तू घबराए क्यों। दरवेशा मैं तेनू सबक पढ़ाना वा, ए सैयद दा सबक याद रखी, अली अली कर तेरे दुख मुक जाणगे। अपनी वालदा साहबा दी दुआ ते जिक्रे हुसैन शुरू कीता, तां उन्हां दियां दुआवां नाल ते हुसैन पाक दियां अतावां नाल ता इतने बंदे मेरे कोल इकट्ठे होंदे ने, खतीब मैं एडा वड्डा कोई ना, को मैं साहिब करामत हाँ, मेरिया करामत वड्डियां ते मैं खतीब बड़ा, मैं ते एडे जाच कोई नहीं, ये पिछू दुआवां उन्हां दियां ते अतावां करबला वालियां दियां। अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं ता अपनी मां नूं दुआ देंदा हुंना वा के रहमत खुदा की हो हसन, मेरी माँ की कब्र पर बचपन से जिसने मुझे को सिखाया हुसैन है। अल्लाह मेरी मां की कब्र ती करोड़ा रहमत नाज़िल फरमाए, जिस निकिया हुंदिया हुसैन हुसैन करना सिखाया, बाजार चों ते सीखे ही नहीं, बाजार चो नहीं सीखिया सी हुसैन हुसैन करना, अपने घरों सीखिया जी, सैयद हुंदे ही होने जिन्हां दे घरां च हुसैन हुसैन होवे। ऐ अजीदा ने मन ता कहना वा दरवेश वाली पाक दा जिक्र करन लगिया घबराया ना करो,
खुले दिल नाल जिक्र करिया करो क्योंकि अली अली कर तेरे दुख मुक जाणगे गम दे तूफान तेरे नेड़े भी नहीं आणगे अली अली कर या अली मैं नौकरा सरकार फरमाया की चाहिए सरकार मैं नौकरा ते मिसकीन हाँ माड़ा बंदा सरकार रोटी चाहिए फरमाया दे दियो बीबी दारा फरमाया मेरी भी दे दियो ते हसन ते हुसैन अर्ज कर देने अम्मी जी फिर साड़ी भी दे दियो माई फिजा नौकरानी थी उन्हें अपनी भी रख ली पांच दीदियां पांच तन पाक भी करो घराना पांच तन पाक दी रोटियां भी पांच दीदियां उसे क्या वाह भाई सही ना हो मंगी एक का ही अजय 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 थोड़ा जा तुसी रुको ना ते गल इस तो भी अगे वो इस ते एक मंगी ना ते पांच लईयां ने इत्थे एक मंगण वालिया सौ उठ दी कतार भी लई है कि नहीं लई मतां ना मेरिया मिठिया जिहड़ा एक रोटी मंगण वालिया चार करोड़ दे उठ देवे चार करोड़ मेरा तखमीना है वैसे तुसी सौ उठ दी कीमत लगवा लिया कल मैं परसों आया तो मैं दस्या भी जी नहीं चार करोड़ नहीं बनता साढ़े त्रै करोड़ बनता है तो मैं मान जा मेरा तखमीना चार बनता है अजे मैं उतला समान जिहड़ा उन्होंने उत्ते वो नहीं गिणिया सिर्फ सौ उठ गिणिया है मेरा मुर्शिद होए जिहड़ा ओहदे कोलो रोटी मंगे वो सौ उठ की कतार दे छड़दा भी लै जा यार तू मंगी रोटी है फिर वह अगू किवें मंग सकदे सदका मैं अगले दिन भी दस्या कि असी जिहड़ा लंगर खाना बनाया है ना मस्जिद फातिमा तुल ज़हरा ओदे उत्ते लिख के लाया है कि यह जिहड़ा लंगर है ना यह साडी तरफों नहीं लंगर सईदा ज़हरा पाक की तरफ तो वजह की है क्यों लाया है वजह की है ये विच भी राज ही है गड्डी अगे लिखिया होवे ना भाई गड्डी वकील दी है तो मुड़ सारे पुलिस वाले हुण नहीं डकदे आंदे ने ना लाया जी गड्डी होवे उत्ते लिखिया होवे बा आई जी दी है ते नाके वाले डकदे ने उन्होंने पता होंगे बड़े अफसर की ये नहीं रुकनी चाहिए जान दो असी अपने लंगर खाने वाली गड्डी उत्ते ज़हरा पाक का नाम लिखे कि क्यामत तक भी हुण इह गड्डी रुकती नहीं है लंगर चलिया रहा सी क्योंकि साडे नाँ ते नहीं बीबी पाक के नाँ ते चल रहा है साडा ते अकीदा है जिस लंगर खाने ते उन्हां दा नाँ आ जाए वह नहीं रुकता आपे आउंदा रहिंदा ते आपे पकदा रहिंदा आ बच्चे जाते रहते पूछ लो जी असं कभी फेरा मारे बा की पकाया जो तो की किया जो तो की वंडिया जो सन तो पता ही आपे ही पकता रहा आपे ही पकेंदे रहते आपे ही खाते रहते तो सिर्फ जाके आते पाया भाजी वजह सिर्फ है लंगर खाने के मत्थे उत्ते सईदा ज़हरा पाक का नाम लिखा हुआ इन्नी रमज है जो किसी की समझ च आ जाए दरवेशां की समझ च तो यह आया उन्हां दा नाम लिया भुख निकल जाती है उन्हां देण वालिआं च मनो उन्हां देण वालिआं च मनो उन्हां मंगण वालिआं च नहीं मनना असां असीं इत्थे खड़े हाँ अजीज़ां ने दी वकार मेरे सज्जन मेरे अजीज मुकद्दर अपने अपने होंदे ने समझ अपनी अपनी होंदी है अली पाक सरकार दे बच्चिया ने दूजे दिन फिर रोदा रखिया है फिर मंगता आया है कौन है सरकार मैं यतीम मैनू रोटी चाहिदी पांच रोटियां मिलिया ने त्रीजे दिन सरकार ने फिर रोदा रखिया है फिर मंगता आया है ओए आने वाले कौन है सरकार मैं कहतिया मैनू रोटी की लोड़ मंगी एक मिलिया पांच ने अदीदा ने दी वकार मौला अली ने हसन नु भी नाल ला लिया ते हुसैन पाक नु भी नाल ला लिया ये जिहड़ा त्रै दे पानी बगैर पीण तो रह रहे ना ये भी वंड साइयां बचपन च ही सिखाई है
त्राए दिन जे मदीने कड़ सकते हैं त्राए दिन करबला च भी कड़ जा सन। ये जिवें फौजियां दी ट्रेनिंग होंदी है वें हसन ते हुसैन दी तरबियत भी सरकार ने बड़ी सोहनी कीती। अजीजा ने मोहतरम मेरे सज्जन मेरे अजीज मेरे नबी दी बार गाय चाहे ते हजूर ने शहजादियां नूं वेख्या ते जिब्रील आ गए अर्ज करदे ने सोहणिया इन्नमा نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا بھائی صاحب وسدیا سیداں دی گل ہے اس لیے سید وسدے آئے کدی تسی کربلا والے سیداں دی گل بھی سنو تے منگیا انہاں وی نہیں करबला वाले शहीदां दी गल भी सुनो ना मैं ते तुहानूं पे सुणाउंदा ना वसदे वेले दी गल हिंदू करबला च बज़ाहिर बड़ा औखा वेला दुनिया दी किसे तारीख च नहीं लिखिया कि हुसैन यजीद कोलों भीख मंगी है हुसैन यजीद कोलों पानी मंगिया है ते जे लिखिया होया है ते मैं इहो जिहियां किताबां नूं उस दीवार ते सटना मैं दीवार नूं नहीं मन्निया मैं हुसैन नूं मन्निया मैं किताबां नहीं मन्नियां मेरी गल दी बच्चों समझ लई जाए कि नहीं अजीजा ने मन मेरे नबी पाक दी शहजादी जदों चौथी रात नूं पानी आया है सरकार चौथी रात आई है तो यजीदियां पानी गलिया है तो बीबी सईदा ज़ैनब फरमाया लै जाओ अपना पानी सानूं तुहाडे पानी दी जरूरत ही नहीं भाई नहीं गल अजीजा ने मन मेरे सज्जन मेरे अजीज फालिये दी धरती है ते एक सैयद इत्थे गुजरे ने सैयद याकूब शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह जुमला उन्हां भी बोलिया वैसे तारीख दियां किताबां विच भी फजाइल दे अंदर ये जुमला मौजूद है मैं खुद पढ़िया अपनी अखां मेरे को भी किताबां मौजूद ने पर सैयद याकूब शाह ये गल करदे आ फरमांदे आ कि इमाम हुसैन पाक सरकार कोल जिन्हां दा सरदार आया तो उसे क्या सरकार जी आखो तो मैं फुरात अगे मोढ़ा रखा ते पानी इत्थे ले आवां मेरे नबी पाक सरकार दे नवासे हुसैन फरमा दे ओए जिन्ना दे सरदार तू अपनी ताकत नू जानने हुसैन दी ताकत नू नहीं जानदा तू ते मोढ़ा ला के लियाउणा है मैं इशारा करा ते कदमां विच आ जाएगा पर मियां साहब फरमांदे ने ताकत हुंदिया उन्ना जोरे नहीं लाया टुर गए मन रजाई दुनिया तो प्यासे टुर गए दीन दुनिया दे साई अगर आप गूगल ते सर्च करो ना गूगल ते तो गूगल ते अजमेर शरीफ सर्च करोगे तो अजमेर शरीफ दे अंदर एक तालाब है बहुत बड़ी उसनु कहंदे ने अना सागर बहुत बड़ा तालाब है ते जदू सैयद मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ए इमाम हुसैन दी औलाद विचू सुन्नी सैयद ने सरकार उत्थे तशरीफ लै ते हिंदुआं आख्या बस तुहानूं पानी नहीं भरन देना क्योंकि तुसी पानी भरोगे तो पानी पलीद हो जाएगा। सरकार ने अपने एक नौकर नूं फरमाया एक विचू लोट ऐ प्याला भर लिया वह नौकर गया सरकार दा खादिम मलंग दुरवेश उस प्याला वेच रखिया ते सारा तालाब वेच आ गया वो ले आए ते सरकार आ प्याला लाया फरमा उत्थे वेच रख छड़ खै उजरे दे उस रख छड़िया जिन्हें बंद किया जिसलिए वो लैन आए तो उन्हें आख्या पानी की दे गया उन्हें आख्या जी इत्थे एक दरवेश नूं प्याला भरदिया वेख्या मुड़ नहीं नजर आया वो सारे हिंदू कट्ठे होए ते अर्ज करदे ने सरकार आ तुहाडे नौकर ने पानी भरिया है ते साडा पानी बंद हो गया है ते सरकार खोल दिओ आपने फरमाया जा भाई पलटिया वो गया उस प्याला पलटिया तो मुड़ भरी गया वो वापस आया तो उसने कहा सरकार जी एडी ठोई पिछा पलटाना है तो फिर भराया क्यों है
फरमाया है दुनिया नू दसना सी जे हुसैन दा पुत्र हिंदुस्तान च बह के एक प्याला भरे ते सारा तालाब प्याले जा सकता है ते जे हुसैन दी मर्दी हुंदी ते अब्बास दी मश्क सारी दुनिया दा पानी जमा हो जाना सी। लेकिन साइयां दी चाहत नहीं कि असी इन्हां दा पानी बंद करिए। अज मालक दी रजा ए हाई बा हुसैन मैं तेरा सबर वेखना। अल्लाह अकबर। अजीजा ने मन अज करामत नहीं इस्तेकामत दिखानी है। सादात ने करबला विच भी नहीं मंगया। अजीजा ने लिवकार न जान दी अमान मंगी है न माल मंगया है क्योंकि सैयद अता करन वाले। बल्कि एक जुमला जोड़ के बयान करता जावा। शाम दा बाजार है शाम दा बाजार दिमश्क शहर है। भाई साहब जरा बंदा समझे उसनु दाद दियांगा। शाम दा शहर है शाम दा मुल्क है दिमश्क शहर है। हजूर देख सहाबी फरमांदे मैं सफर कर रहा सा तो मैं वेख्या सारे शहर सजाया है लाइटिंग हुई है। मैं भाई बड़ी ओनू सजाया गया तो मैं पूछा भाई इतने कोई मेला है या की है अज बड़ा शहर सजाया जे। उन्होंने आख्या जी एक बागी जमात ते अल अयाज़ु बिल्लाह ताला हुकूमत नु फतह हुई है ते ओ कैदी आ रहे ने ते इस वास्ते अज बादशाह जशन मना रहा है यजीद पलीद। ते जदो ए गल हुई ना तो वो साहबी कहने के मैं भी आख्या कि यार मैं भी वेखा तो सही वो कौन ने जेडे ए वो है मदीने दे रहने वाले बूढ़े साहबी। अजीजा ने दी वकार फरमा दिन मैं जदू रास्ते दे खड़ा होया ते काफला सामने आया मेरी नजर पई मैं हैरान हो गया। साहबी रोक आंदे ने ओए शाम वालो ए बागी नहीं ए ते मदीने दे नमाजियां दा काफला आ गया है। रोन लग पे अल्लाहु अकबर। दौड़ के गए ने परदादार शाहजादियां दी खिदमत चल कीती है। बीबी जी मैं बुढ़ा हो गया वा कोई मेरे लायक हुक्म होवे। हो सईदाओ मैं तुहाडे दुख सुन के भी हैरान होना ते बंदियां दे अमल सुन के भी हैरान होना कि कैसे लोग ने इन्हां सईदां के समझे। अदीदा ने मन मेरी सरकार दे शाहजादे दे कोल गया है। सरकार शाहजादियां तो पूछो मैं की खिदमत कर सकना वा मेरे कोल कुछ पैसे है ने। आप फरमांदे ने बाबा नाने दा सहाबी और खिदमत नहीं मंगदे इन्हां नूं आ जेड़े नेड़े ते मेरे बाबे दा सर सवार थोड़ा दूर कर दे मेरी भैन सकीना जदू सर वेंदी है ते बाबे नू याद करके रोंदी है। अजीजा ने मोहतरम सहाबी रसूल ने उन पैसे दिते और उन्हें क्या कि यार है थोड़ा सर अग्गे कर ला इन्नी कुते मिन्नत मन जा। जदू शाम दे करीब दीगर ते शाम दा वेला हा तो सैयद जादियां दा काफला शाम दे बाजार च दाखिल होया ना ते अंदर दस्या गया कि काफला आ गया है तो यजीद खबीस पलीद लानती कुत्ते ने आख्या कि अज दरबार दा वक्त खत्म हो गया है हुण काफला कल पेश होवेगा। अगू पूछिया गया ये काफला किथे ठहराई है कहिंदे काफला बाजार च रहण दियो। फिर इस गल का दुख होता है जिन्हां दे घर जिबरील नहीं आते जिन्हां दे घर मलकुल मौत इजाजत तो बगैर नहीं आते ओ शाहजादियां शाम दे बाजार च खड़िया हुई। अदीदा ने वकार जदू शाहजादियां खड़िया हो गई लोगों छत्तां तो औरतां वेखिया ये कोई कैदी ने उन्हां लियांदा ऐ सदका कैदियां नूं लगदा है। बीबी फरमांदियां ने फिजा इन्हां नूं आख असी सदका खाण वाले नहीं सदका देण वाले आ।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਅਸੀਂ ਸਦਕਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਦਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਫਲਾ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ। ਬੀਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਲੋਗੋ ਆਪਣਾ ਸਦਕਾ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹ ਸਦਕਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਸਦਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਘਰਾਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਮਹੱਲੇ, ਉਸ ਮਹੱਲੇ ਚ ਇੱਕ ਬੂੜੀ ਔਰਤ ਥੱਲੇ ਉਤਰੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਕੌਣ ਕੈਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਦਕਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕੋਈ ਕੈਦੀ ਨੇ ਸਦਕਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੇ ਆਖੋ ਤੇ ਹਦੀਆ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ, ਹਦੀਆ ਦੇ ਦੇਈਏ। ਫਰਮਾਇਆ ਹਾਂ ਹਦੀਆ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਔਰਤ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਸਾਮਾਨ ਲਿਆਂਦਾ, ਖਾਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕੱਪੜੇ ਲਿਆਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਸੈਯਦਾ ਜ਼ੈਨਬ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਕਰੀਬ ਲਿਆਓ। ਉਹ ਔਰਤ ਕਰੀਬ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਈ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਏ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਖਿਦਮਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਬਣੀਏ। ਔਰਤ ਆਂਦੀ ਏ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਫਰਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਰਦੇਸ਼ ਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਬੀਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਨਾ ਜਾਨ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮਦੀਨਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਮਦੀਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਏ। ਬੀਬੀ ਆਂਦੀ ਏ, ਜੇ ਮੈਂ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੈਯਦਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਦੇ ਘਰ ਨੌਕਰਾਣੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹੀ ਆ। ਫਰਮਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਦਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹਦੀਆ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਈ? ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਟੁਰਨ ਲੱਗੀ, ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਨਬੀ ਦੀਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦੁਆ ਦਿੱਤੀ ਆਈ, ਇੱਕ ਵਸੀਅਤ ਫਰਮਾਈ ਆਈ, ਦੁਆ ਦਿੱਤੀ ਆਈ, ਤੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਏ, ਜਾ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਰੰਗ ਲਾਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਵਸਦਾ ਮਕਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਟੀਕਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸਲੂਕ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਾਹਰਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬੀਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਸਨ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਦੇਵਾਂ, ਤੇਰੇ ਹੁਸਨੇ ਸਲੂਕ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਆ, ਕੋਈ ਦੁਆ ਕਰਵਾ ਲੈ, ਕੋਈ ਦੁਆ ਮੰਗਵਾ ਲੈ। ਬੀਬੀ ਆਂਦੀ ਏ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਏ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੁਆ ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਗਵਾਣੀ ਏ। ਬੀਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਦੁਆ ਮੰਗਵਾਣੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮਦੀਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਮੁਰਸ਼ਦਾਂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੋਲਾ ਵੇਖਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੀਬੀ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂ। ਬੀਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ, ਬਸ ਰੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਆਂਦੀ ਏ, ਐ ਔਰਤ ਐ ਖਾਤੂਨ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਦੁਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਵਾਈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਰੋਣਾ ਆ ਜਾਏ। ਬੀਬੀ ਰੋਏ ਕਿਉਂ? ਸੀਦਾ ਜ਼ੈਨਬ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਦੁਆ ਕਰਵਾਈ ਏ, ਇਹ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੁਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ? ਫਰਮਾਇਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਫਰਮਾਇਆ, ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਸੈਯਦਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਣਨੀਏ? ਆਂਦੀ ਏ ਜੀ, ਹਸਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨੀ ਆ, ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨੀ ਆ, ਜ਼ਹਰਾ ਦੀਦੀ ਉਮੇ ਕਲਸੂਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਦੀ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦੀ ਜ਼ੈਨਬ ਨੂੰ ਜਾਣਨੀ ਆ। ਬੀਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਿਆੜ ਲਵੇਗੀ? ਆਂਦੀ ਏ ਜੀ, ਹਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਲਵਾਂਗੀ। ਬੀਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਸਦਿਆਂ ਸੈਯਦਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੇ
جے حسین دی زیارت کرنی آ تے نظر اٹھا جیڑا نیلے تے سوارے اے تیرا مرشد حسین اے جے حسین دی دکھی بین ویکھنی آ نظر چکا جیدے نال ہن تائی پیار کر دی رہی اے اے حسین دی بین دے نوے گرامی قدر احباب سیدہ نے تے ایڈی مشکل گھڑی وچ بھی صدقہ قبول نہیں فرمایا سید ہوندے ہی سخی نے سید ہوندے ہی عطا والے نے میرے سجنوں میرے عزیزو اللہ تعالیٰ آپ نو بالخصوص سید قیصر شاہ صاحب آپ تشریف لے آؤ دین باقی ساتھی جڑے آدھے ہو دور دراز تو چل کے ذکر آلے بیت سن دے ہو اللہ تعالیٰ تو اس ٹبر تارنا دے نو جڑا اے میزبانی ساڈی کردا ہے روز اللہ انہاں بھائی برکت عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین والعاقبت یا مولا کریم اے سارے بیلیاں دے بالخصوص صفدر دے اور دے گھر والیاں تے انہاں دے بچیاں تے اپنی رحمتاں نادل فرما ذکر آل رسول دا صدقہ انہاں تے خیر نادل فرما سب آن والیاں نو جزائے خیر دے سب آن والیاں تے کرم فرما تے رحمت فرما جتنے بچے ساتھی یار آئے نے انہاں نوں برکت دے یا اللہ کچھ بچیاں نے دعا واسطے آکھیا ہے انہاں واسطے دعا ہے قبول فرما یا مولا کریم نبی پاک سرکار دے صدقے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے طفیل میرے سارے بچیاں نو میرے سارے پیاریاں نو سارے ساتھیاں نو ادا اجر عطا کری کل انشاءاللہ سید وسیم الحسن شاہ صاحب بیان فرمان گے آپ کل بھی تشریف لے آنا اور پرسو آخری محفل ہوئے گی انشاءاللہ اور اختتامی دعائے خیر ہوے گی اللہ آپ سب دا آنا قبول فرمائے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم